ढूंढोरे मौका ढूंढोरे अंबर जमी पे लाने का। आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार हैं आप। खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हर दम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा मचल के आजा तू कर ले आ कर ले तू आगाज। हुनरबाज है हुनरबाज हम है हुनरबाज आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज है हुनरबाज हम है हुनरबाज आजा हुनरबाज। स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरी। आइडियाज से होते हैं आविष्कार और आविष्कार से होती है हर किस्म की उन्नति। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ परिणाहा चक्रवर्ती का जो त्रिपुरा के हैं। परिणाहा ने सोचा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में अगर इंजन पर एक विंडमिल लगा दिया जाए तो पूरी ट्रेन में बिजली जनरेट हो सकती है जब ट्रेन चलेगी। क्या बात है, अमेजिंग। हमारे साथ ऐसे काफी लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह के आइडियाज को खोज रहे हैं और उसे सराहना भी चाहते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के लीडर्स पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता हर साल इग्नाइट नाम के एक नेशनल कॉम्पिटिशन का आयोजन करते हैं जो युवा आविष्कारकों को प्रोत्साहन देता है। आपको पता है सिद्धार्थ जी, उस्मान हनीफ पटेल इज ए यंग बॉय, उसे हाल ही में इग्नाइट में किस आइडिया के लिए अवार्ड मिला? किस आइडिया के लिए? पंखे को पंखा चलाएगा। पंखे से पंखा, फैन टू फैन। हाँ, लेकिन अगर ओरिजिनल फैन नहीं चल रहा है तो दूसरा फैन कैसे चलेगा? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जवाब दे देती हूँ। उस्मान ने सोचा कि घर के अंदर चलने वाले पंखे का कनेक्शन छत पर लगे एक पंखे से कर दिया जाए तो बाहर जब हवा चलेगी तो अंदर का पंखा भी घूमेगा। वाह, फैसिनेटिंग। तो अगर आप 12वीं या उससे कम में पढ़ते हो और आपके पास भी कोई ऐसा ही कमाल का आइडिया हो तो आप भी इग्नाइट में अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। आज के एपिसोड में होंगी बातें इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाने वाले क्षेत्र कृषि की और देखेंगे हुनर की बाजी में किसकी बनती है चटनी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे शो हुनरबाज स्किल टू विन पे। सनी, हा? तुम्हें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गाना याद है? ऑफ कोर्स याद है। किसानों की मेहनत की बदौलत वो सीन उतना अच्छा लग रहा था। My God, सनी, I can't believe this. मतलब पहली बार तुमने दिमाग की बात की है। हमारे देश की 70% आबादी रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अच्छा? Yes, इसीलिए अच्छी खेती होगी तभी हम देश को अच्छा जीवन दे सकते हैं। उत्तम खेती मध्यम बाण निषिद चाकरी ठीक निदान। पुरानी कथाओं में खेती को सबसे ऊंचा पेशा माना गया है क्योंकि खेती एक आधार होती है किसी भी देश की और भारत में तो खेती की महत्ता और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 125 करोड़ लोगों को खाना मुहैया कराना होता है। हमारे देश में आबादी के करीब 70% लोग खेती के एक्सपर्ट हैं। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, सो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज तो है ही। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 47% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ है। एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस दैट वी आर गोइंग टू हैव। वैसे दूर से देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन एक बार खेतों में पहुंच के तो देखो कितना बीज लगाना है, कौन सा बीज लगाना है, कितना पानी देना है। और ये जिम्मेदारी होती है देश के किसानों की। और क्या बखूबी निभाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को।
और इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम नई तकनीक से खेती करें। जी हाँ, और ALC एक ऐसी संस्था है जो हेल्प करती है इन किसानों को। एक्सिस लाइवलीहुड कंसल्टेंट 5 स्टेट्स में करीब 65,000 किसानों के साथ काम कर रही है ALC, जिसने बनाए हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि किसानों को बाजार मुहैया कराती है। क्योंकि आज के जमाने में केवल खेती करने भर से काम पूरा नहीं होता, अगर आप में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का हुनर नहीं होगा तो बिचौलियों की समस्याएं लगातार बनी रहेंगी और आपको खेती का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग छोटे किसानों के साथ जब काम करते हैं तो हम उनको एक विजन देने की कोशिश करते हैं। 1,500 किसान जुड़ते हैं और उन लोग दाल का प्रोसेसिंग करके और मार्केट में बेचते हैं, तो ये देखा गया है कि कम से कम 3 साल में उनका आय दुगना होने की संभावनाएं हैं। लगातार कुछ नया सीखना भी तो एक हुनर ही है, और पुराने हुनर को बेहतर करना भी उससे भी बड़ा स्किल है। ALC इंडिया NSDC की मदद से किसानों को नए और सही बीज की जानकारी खेती की लेटेस्ट तकनीक से रूबरू करवाते हैं, जिससे फसल और आमदनी दोनों बढ़ती है। ALC इंडिया के आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है। पैसा आ रहा है, बचत हो रही है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। पहले ये सब काफी मुश्किल था, अब लाइफ आसान हो गई है। चटकारे लेके दाल फ्राई खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन दाल के खेत से दाल लाना एक अलग ही हुनर है। कैसे इस बाजी को अंजाम दिया, जानते हैं हुनर की बाजी में। होने वाला है बहुत ही मजेदार रिले रेस। टीम 1 के पार्टिसिपेंट हैं रामुल अम्मा, लक्ष्मा अम्मा और पार्वता अम्मा। टीम 2 के पार्टिसिपेंट्स हैं सुनीता, नारायण अम्मा और वेंकट अम्मा। टीम 3 के पार्टिसिपेंट्स हैं नरगा अम्मा, नागमणि और पाकिर अम्मा। दिलचस्प बात यह है कि इस टास्क में फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रेसिडेंट के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, और सभी की सभी औरतें हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का परफेक्ट उदाहरण। आज के इस कॉम्पिटिशन में सबसे पहले इन बंडल से दाल को अलग करना होगा, उसके बाद इसे साफ करना होगा, और फिर नीम के पत्तों की मदद से कीटनाशक तैयार करना होगा, और ये सब केवल 30 मिनट में। तो वसीम जी, क्या हम तैयार हैं इस कॉम्पिटिशन को शुरू करने के लिए? हाँ तैयार है, मेरे मदल बैठे इपटने से समय प्रारंभ। बेशक ये काम इन किसानों के लिए रोजमर्रा की बात हो सकती है, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि रोजमर्रा के इनके काम में भी काफी हुनर है। लाठी का प्रहार, न ज्यादा कम और न ज्यादा जोर से इस दाल की दाल यही न गल जाए। हमारी हुनरबाज टीम के लिए भी आंखें खोलने वाली बात थी। उम्र के इस पड़ाव में इतनी तेजी, माशाल्लाह, इनसे तो हमने भी बहुत कुछ सीखा। सूप से दाल भटकना, ये भी हुनर की बात है। अगर हुनर नहीं हो तो सारी दाल सूप से बाहर। अरे इन्होंने पलक झपकते ही दाल साफ कर दी, ये तो इस काम के स्किल्ड हुनरबाज निकले। पर देखना है कि किसकी दाल सबसे ज्यादा और सबसे साफ निकलती है। टीम 1 के साथ देखते हैं इन्होंने अपना चैलेंज अच्छी तरह से पूरा किया है या नहीं। आखिर किस आधार पर होगा जजमेंट? जो दाल आपने कलेक्ट की है, सूप से आप कितना साफ कर पाते हो? चलते हैं टीम 3 की तरफ। कि कौन सी टीम सबसे आगे है? दिस टीम। टीम 3। हाँ, टीम 3। तीनों टीम्स की परफॉर्मेंस को जज करने के बाद मिस्टर विनय ने हमें ये बताया कि टीम 3 इस चैलेंज में सबसे आगे है। लेकिन ये चैलेंज यहाँ पे पूरा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस रिले रेस का एक और हिस्सा है, तो बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ। टास्क के दूसरे चरण में अब टीम के बचे हुए सदस्यों को बनाना होगा कीटनाशक। तो ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हुए 15 मिनट के टाइम लिमिट में ये जज करेंगे एग्जीक्यूशन पे और
क्वांटिटी पे। तो वसीम जी, क्या हम इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू कर सकते हैं। मदल वे टूर्नामेंट। पहले नीम के पत्तों को अलग करना होगा, केवल पत्ता। अगर डंडी आ गई तो पेस्ट बनाने में दिक्कत होगी। और अब कुछ ही समय बचा हुआ है, सभी प्रतियोगी लगे हुए हैं कीटनाशक को निकालने में। और आखिरी 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो विनय जी, हमें बताइए एग्जीक्यूशन और क्वांटिटी का, तो उसके हिसाब से कौन इस चैलेंज में आगे है? अब देखते हैं कीटनाशक सही बना है कि नहीं। चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। कहीं पेस्ट गाढ़ा या पतला तो नहीं है? क्वांटिटी सही है कि नहीं? क्योंकि कीटनाशक में तय मात्रा का ख्याल रखना जरूरी होता है। और अब तैयार है विनर। अब ये जानना है कि इस रिले रेस को किस टीम ने जीता है। विनय जी, टीम 3। टास्क के दोनों ही पार्ट में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इस टास्क के विनर हैं टीम 3। प्रिंसी, क्या कभी बचपन में तुमने नाक बंद करके दूध पीने की कोशिश की थी? नहीं, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा लगता था। और तुम्हें पता है, दूध पीना अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रोजगार भी दे सकती है। अच्छा? हाँ, जैसे कि मुलकनूर के राजमणि और कुरला विजय के साथ हुआ। महज 150 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से मुलकनूर, पर इतने पास होके भी इसकी समस्याएं पास ही रही। कंधे पर भारी बोझ लिए धूप में घंटों चलती, दो वक्त की रोटी तलाशती, मजदूरी की मजबूरी से जूझती, ये है राजमणि। पहले मुझे डेली बेसिस पे काम करना पड़ता था, जिससे मुझे कई तरह की परेशानी होती थी, जैसे स्वास्थ्य की परेशानी, मेरे घर चलाने की परेशानी, बच्चों की पढ़ाई की परेशानी। और ये कठिनाई सिर्फ राजमणि की ही नहीं है, पटरी से उतरी इस जिंदगी पर और भी बहुत से लोग चलने को मजबूर थे। पहले जब हम खेती करते थे तो हमें 6-6 महीने पैसे नहीं मिलते थे, जिससे हम अपने घर का किराया तक नहीं दे पाते थे, खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर्स भी नहीं खरीद पाते थे। गुराला विजया और राजमणि जैसे और भी 21,000 महिलाएं ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रही थीं। और फिर इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकजुट हुए। और कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। इस शक्ति को पहचाना मुलकनूर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक ने। यहाँ के लोगों को नया रास्ता दिखा दूध क्रांति के रूप में। सबसे पहले इन्होंने एक डेयरी सेटअप किया और इस बात की ताकीद की कि आसपास के हर छोटे छोटे गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलें, ताकि तय समय में दूध डेयरी तक पहुंच जाए और उसको प्रोसेस किया जा सके। 2009 में ALC इनसे जुड़ी और कुछ नए आयाम भी जुड़े। फिर उनके काफी सारे जो अभी क्षमरा निधि की ट्रेनिंग्स हैं, वो भी हम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पे काम कर सके। महिलाओं ने नए हुनर सीखे, तभी ये प्रयास संभव हो पाया, प्रोसेसिंग से कलेक्शन और फिर पैकेजिंग तक। और ये अब इंडिया की लार्जेस्ट विमेंस डेयरी बन गई है। आज मेरे पास 12 भैंसे हैं, जिससे मुझे हर दिन 30 लीटर दूध मिलता है, जो मैं डेयरी में देती हूँ। और मुझे हर 15 दिन में 12,000 रुपए मिलते हैं। इससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और अब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रही हूँ। मैंने अपना एक घर भी बना लिया है, एक ट्रैक्टर और बाइक भी खरीद ली है और हम आज बहुत खुश हैं। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे ये रुकी जिंदगी। क्या आप भी मुलकनूर की महिलाओं की तरह साहसी हैं? तो डेयरी उपयुक्त फील हो सकती है। हम हैं
हुनर दिखा दे आज। डेयरी फार्मिंग का एक फील्ड है जहाँ पे आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी चीज, बटर, मिल्क, दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें जो इनोवेशन होता है, एक बड़ा एक अपकमिंग ऐसा फील्ड है बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग हो रहे हैं। जो 10वीं पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं और ये जो सब प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं, ITIs में मिलते हैं। और सबसे बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, आप खुद का कुछ एक बिजनेस खोल सकते हो।